अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम क्वेश्चन नंबर टेन सॉल्व करें एक्सरसाइज से वन पॉइंट फाइव का इसके स्टेटमेंट के मुताबिक ये डायग्राम है इसको जरा पहले समझते हैं फ्रॉम इन ऑब्जर्वेशन पॉइंट डी एक पॉइंट है इसको मैंने ऑब्जर्वेशन पॉइंट का नाम दिया ये मेरा ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स इन लाइन विद द पॉइंट आर फाउंड टू 30 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज़ इस पॉइंट डी जो कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट है इससे नीचे दो बोट्स हैं एक पॉइंट ए के ऊपर हैं और एक पॉइंट बी के ऊपर है दिस टू बोट्स आर इन लाइन विद ईच अदर और इनके दरमियान डिस्टेंस uh, जो है वो ए है और एक बोट का जो एंगल ऑफ़ डिप्रेशन है वो थर्टी डिग्री है और दूसरे का फोटी फाइव डिग्रीज़ है तो इस थर्टी डिग्री का जो अल्टरनेट एंगल बनता है वो ये वाला बनता है जिसको मैंने तीटा वन के नाम से यहाँ पर डिनोट किया और फोर्टी फाइव डिग्रीज़ इसको मैंने तीटा टू के नाम से उसको रिप्रेजेंट किया ये यहाँ पर उसका अल्टरनेट एंगल बनता है तीटा टू और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स दोनों बोर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस हमें फाइंड करना है जो कि ए बी है और हाइट ऑब्जर्वेशन पॉइंट की गिवन है जो कि फोर थाउजेंड फीट है अब हम क्या करते हैं हमारा टारगेट ये है कि ए बी फाइंड करना तो ए हमारे पास कैसे आएगा अगर हम इस डायग्राम में देखेंगे यहाँ से ले कर यहाँ तक यानी ए सी है ए सी से अगर हम ए सी से अगर हम बी सी माइनस कर दें यानी यहाँ से यहाँ तक ये यह पूरा ए सी है ए सी से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दे बी सी तो हमारे पास क्या रह जाएगा ए बी रह जाएगा सो so, हमारा मेन टारगेट क्या है ए सी माइनस बी सी देट विल गिव यू द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए बी तो सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल अंदर वाला जो ट्राइंगल है ट्राइंगल बी सी हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं चोटा ट्राइंगल बी सी डी इन दिस ट्राइंगल परपेंडिकुलर क्या है थीटा के सामने वाले साइड थीटा टू के सामने वाले साइड सी डी है तो C, D, which is equal to 4, feet. और बेस क्योंकि हमें बेस की जरूरत पड़ेगी वो है बी सी इस केस में बी सी क्योंकि हम फाइनल सॉल्यूशन में हमें बी सी की ज़रूरत होगी तो ये हमने फाइंड किया जो हमें गिवन नहीं है फ़िलहाल और थीटा टू गिवन है इस ट्रा में वो है फोर्टी फाइव डिग्रीज तो जब हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की इन्फॉर्मेशन हो तो हम टेन थीटा का सहारा लेते हैं कि एज़ टेन थीटा टू इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस तो हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हम पुट कर देते हैं परपेंडिकुलर सी है और बेस बी है वैल्यूज पुट करते हैं टेन थीटा टू है फोर्टी फाइव और सी डी फोर थाउजेंड है बी हमें नहीं मालूम ये हमने मालूम करना है सबसे पहले इन दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट बी सी इन टू टेन फोर्टी फाइव इज़ इक्वल टू फोर थाउजेंड तो यहाँ से हमारे पास बी सी आ जाएगा फोर थाउजेंड डिवाइडेड बाय टेन फोर्टी फाइव तो फोर थाउजेंड डिवाइडेड बाय टेन फोर्टी फाइव वन की इक्वल है सो बी सी इज इक्वल टू फोर थाउजेंड फीट इसको मैं इक्वेजन नंबर वन का नाम दे देता हूँ और आगे इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी अब मैं दोबारा उस डायग्राम की तरफ आता हूँ अब मैंने ये बड़े वाला ट्राइंगल लेना है ए सी डी इस केस में थर्टी डिग्रीज का बनता है और इसको मैंने तीटा वन का नाम दिया हुआ है ऊपर डाइग्राम के साथ इसको मैच कर लें नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी पर पेंडिकुलर इज इक्वल टू टीटा के सामने साइड सी डी है जो कि ऑलरेडी हमें वो गिवन है ऊपर डायग्राम में देख सकते हैं फोर थाउजेंड फीट और इस केस में इस ट्राइंगल केस में बेस जो है वो ए सी है यह हमें मालूम नहीं ये हमने मालूम करना है और थीटा वन गिवन है थर्टी डिग्रीज परपेंडिकुलर बेस के इन्फॉर्मेशन है तो हम टेन का सहारा ले सकते हैं तो एस टेन थीटा वन इज़ इक्वल टू तो परपेंडिकुलर ओवर बेस तो परपेंडिकुलर सी डी बेस ए सी तो सी डी की है फोर थाउजेंड और ए सी हमने फाइंड करना है तो टेन थीटा वन की वैल्यू भी हमें पता है टेन थीटा वन क्या है थर्टी डिग्रीज टेन थीटा वन थर्टी डिग्रीज इज़ इक्वल टू फोर थाउजेंड ओवर ए सी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी मल्टीप्लाई टेन थर्टी इज़ इक्ल टू फोर थाउजेंड और यहाँ से ए सी हमने फाइंड करना है तो ए सी इज इक्ल टू फोर थाउजेंड डिवाइडेड बाय टेन थर्टी तो हम कैलकुलेटर की मदद लेंगे तो हम क्या करेंगे फोर थाउजेंड को डिवाइड करेंगे टेन थर्टी से विच इज़ इक्वल टू विच इज़ इक्वल टू न टू एट सिक्स नाइन टू एट पॉइंट टू फीट ये हमने ए सी फाइंड कर लिया तो अब देखिए हमारे पास शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमारा आंसर आएगा इस वाले फॉर्मूले से हमें ए सी चाहिए और बी सी चाहिए तो बी सी हम पहले फाइंड कर चुके हैं जो कि इक्वेशन नंबर वन में है और इक्वेशन नंबर ए सी इक्वेशन नंबर टू जिसको मैं इक्वेशन नंबर टू नाम दे देता हूं कि ए सी इज इक्वल टू सिक्स नाइन टू एट पॉइंट टू फीट इसको मैं इक्वेशन नंबर टू का नाम दे देता हूं सो ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी तो ए सी है सिक्स नाइन टू एट पॉइंट टू माइनस बी सी इक्वेजन नंबर वन में है वो है फोर थाउजेंड फीट तो हम माइनस कर देंगे इससे फोर थाउजेंड हमारा आंसर आ जाएगा टू नाइन टू एट पॉइंट टू फीट सो डिस्टेंस सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉट्स Located at point A and B.